नमस्कार जी, एजुकेशन नॉलेज टी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे आप सभी? हरियाणा सरकार बड़ी घोषणा की है भाई, आपका विवाह अमान्य होगा, जल्दी से अपना यह काम करवा लो, 3 दिसंबर से लागू। पूरी इन्फॉर्मेशन देखिएगा हरियाणा सरकार ने क्या कुछ घोषणाएं की हैं। वीडियो लाइक और शेयर कर लीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिएगा, अब विवाह पंजीकृत के लिए परिवार पहचान पत्र हुआ जरूरी। अब विवाह पंजीकृत के लिए परिवार पहचान पत्र होगा जरूरी कर दिया गया है। इससे पहले परिवार पहचान पत्र को बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन इत्यादि योजना के लिए लाभ लेने के लिए अनिवार्य किया गया था। अब विवाह के लिए परिवार पहचान पत्र पंजीकृत करवाने वालों को पहले अपना परिवार पहचान पत्र बनवाना होगा। उसके अलावा लाडली विकास स्कून योजना में भी परिवार पहचान पत्र जरूरी होने वाला है। इसके अलावा हरियाणा के प्रत्येक निवासी के लिए अनिवार्य है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए BPL राशन कार्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना, बेरोजगारी भत्ता, सक्षम योजना, सरकारी व निजी स्कूल में प्रवेश, हरियाणा में सरकारी व प्राइवेट नौकरियां, वहीं परिवारों को पेचेड जिनका कोई सदस्य नौकरी में नहीं है, पारिवारिक पहचान पत्र राशन आवंटन के लिए भी जल्द ही परिवार पहचान पत्र की जरूरतें पड़ने वाली है। अतिरिक्त उपयुक्त अनीस यादव ने आम जन से अपील करते हुए कहा है कि समय रहते अपना परिवार पहचान पत्र नज़दीकी CSC के माध्यम से अपडेट करवा लें। इसके लिए जिले के प्रत्येक खंड में 5 गांव का चयन किया गया है। 3 दिसंबर से 5 दिसंबर 2020 तक परिवार पहचान पत्र बनाए जाएंगे। तो भाई विवाह भी अगर अमान्य कर दिया जाएगा अगर आप पहचान पत्र में नहीं बनवाते हैं। सभी के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।